बड़ी फाइनली आपका इंतजार हो गया खत्म भाई। एक भाई है उत्तम सिंह, उसका फाइनली अलॉटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर निकल गया अभी। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ऑफर है ये, और ये डायरेक्टर जनरल की तरफ से इस भाई को, क्योंकि आपने देख लिया होगा ना ब्लैंक सी एक पीडीएफ दिन में आई थी, तो उसमें क्या था, वो ऐसा सिस्टम तैयार किया गया था कि जो बंदा अपने क्राइटेरिया फुलफिल करके डालेगा तो वो आपको ऐसा लेटर मिलेगा। वैसे ये अभी लिंक ढंग से काम नहीं कर रहा, इस भाई ने बड़ी मेहनत करके निकाला है, मेरे पास अभी भेजा। तो मैंने उससे पूछा कि मैं आपकी डिटेल दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, तो उसने कागज़ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो इस भाई को बधाई कि मुझे लगता है ये पहला बंदा है जिसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर निकाला है। कैसे निकलेगा, पोर्टल चल जाएगा अच्छे से जब मैं भी वीडियो बना दूंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। वैसे एक अंडरटेकिंग चाहिए, वो सर्कुलेट हो रही है, उसका पीडीएफ निकाल के और साइन वाइन करके रेडी रखो। जब तक देखो डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से मिस्टर उत्तम सिंह, ठीक है, सनोप नेपाल सिंह, भाई रेवाड़ी का रहने वाला है, रेवाड़ी के बच्चे हैं, महेंद्रगढ़ भिवानी हिसार जींद सबसे ज़्यादा लगते हैं। सब्जेक्ट देखो, प्रोविजनली अपॉइंटमेंट ऑफर ऑफ टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी इन कॉमन कैडर अंडर द ग्रुप डी एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस एक्ट 2018, ठीक है, कॉमन कैडर के तहत। अब इसमें इन्होंने कुछ कायक भी रिकमेंडेशन आप किया है एचएसएससी की तरफ से वगैरह वगैरह, आपको प्रोविजनली अपॉइंटमेंट ऑफर कर रहे हैं हम ग्रुप डी एक्ट के तहत। ये हरियाणा सिविल सर्विस रिवाइज रूल 2016 के अनुसार आपका जो लेवल है डीएल, डीएल का मतलब है 16,900 रुपये आपकी बेसिक शुरू होगी, बेसिक अलाउंस अलग मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिसके साथ आपको अलॉटमेंट दिया जा रहा है। एक तो ये कि आपकी जो सर्विस है वो रिक्रूटमेंट रूल 2018 का है, उसके अनुसार चलेगी। दूसरा, ये जो टर्म अपॉइंटमेंट है ये टेम्परेरी है, ठीक है, ये आपका 1 महीने का नोटिस देके कभी भी आपकी जो है ना टर्मिनेट की जा सकती है, ठीक है जी। और इंक्लूडिंग अलाउंस इन ली ऑफ नोटिस एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिमूवल डिसमिस मिसकंडक्ट, मतलब वो होता ही है सब ये कंडीशन नॉर्मल है, कभी कोई सीरियस ले जाए पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कंडीशंस होती हैं कि भाई आपका सब कुछ टेम्परेरी होता है। दूसरा, आप जो है न्यू पेंशन स्कीम में आओगे, एनपीएस के अंदर आओगे, 2006 का जो है जीपीएफ में नहीं आओगे, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ये भी होता है ऐसा। दूसरा यहाँ पे है कि आपको करेक्टर और जो अभी आपका एनसीडेंट है वो अभी वेरीफाई नहीं है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है सरकार की तरफ से वो आपकी नया जो डिपार्टमेंट है तो वो आपका गवर्नमेंट रिगार्डिंग योर करेक्टर एंड योर सर्विस विल बी, यानी कि जब आपकी बाद में चेक होगी ना पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है वो होती है करेक्टर सर आपकी, अगर वो गलत मिली तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। दूसरा, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जनों का जो ऑफिस है यानी कि सीएमओ, जो मैं आप कह रहा था ना कि बिना अपॉइंटमेंट के कैसे मेडिकल करवा रहे हैं, कई जगह से सूचना आई है भिवानी में भी मेडिकल हुए हैं, क्योंकि होता नहीं है ऐसा कि बिना अपॉइंटमेंट करवा दे, लेकिन हो रहा था वहाँ पे। तो अब ये अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, इस अपॉइंटमेंट लेटर के आधार पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके, यहाँ पे लिखा है वैसे तो लिखा है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, कि अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ में सिविल सर्जन ऑफिस में जाके मेडिकल करवाना है। लेकिन एक बात ध्यान और देना कि अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हो, सॉरी दूसरे स्टेट के हो, तो फिर आपको जो आपका मेडिकल होगा वो होगा पंचकुला में। ये लाइन भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से आपको वो, मैंने चीज़ें देखी थी, वो थी सिविल सर्जन को जो लेटर आया था दिन में, मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, और टेलीग्राम से याद आया मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। अदर स्टेट वालों का मेडिकल पंचकुला में होगा, बाकी पूरे हरियाणा का मेडिकल जिस बंदे का जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में जा करके हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि वन अपॉइंटमेंट या ज्वाइन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इन द ओथ ऑफ एलिगेंस ऑफ, यानी कि आपको संविधान की जो है ना वो आपको करनी है। अगला है योर सीनेटरी लिस्ट है जो आपकी, वो अब जो अदर आ जाएंगे जब केस फैसला सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपकी ये स्टेट सीनियरिटी लिस्ट वो इंटर से जो बनाई जाएगी बाद में। अब ये आपका डिक्लेरेशन है वगैरह वगैरह, इनको छोड़ो आप, मैं बस नॉर्मली कंडीशन बता रहा था आपका। तो ये चीज़ें हैं, बस ये आपको दे दिया है। और जो मैं आपको कह रहा था ना कि अदर स्टेट वाले कहाँ पे अपना वो करेंगे, तो ये रहा देखो, ये रहा, इन केस यू आर रेजिडेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरेटरी अदर देन हरियाणा, यानी कि आप हरियाणा के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के या किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हो, तो देन यू शुड रिपोर्ट टू डिप्टी कमिश्नर पंचकुला। तो आपको रिपोर्ट करना है डिप्टी कमिश्नर पंचकुला विद द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय सिविल सर्जन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड ए कॉपी ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर
डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल विद ए सेवन पीरियड ऑफ सेवन डेज। अब यहाँ पे पता क्या लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया कि आपको मेडिकल तो करवाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो आप, यानी कि अदर स्टेट का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मेडिकल बनवाओगे उस मेडिकल के साथ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा डीसी पंचकुला को, यानी कि आपको वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग देनी है डीसी पंचकुला को। किसको? केवल और केवल अदर स्टेट वालों को। फिर कह रहा हूँ अदर स्टेट वालों को जो अपना मेडिकल करवाना है वो तो हो जाएगा उनके खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में। कोई एग्जांपल यूपी का गाजियाबाद का है तो गाजियाबाद में करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपॉइंट आपको रिपोर्टिंग करनी है डिप्टी कमिश्नर पंचकुला को मेडिकल फिटनेस के साथ। और मेडिकल फिटनेस में लिखा गया सिविल सर्जन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड ए कॉपी ऑफ ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल विद इन ए पीरियड ऑफ सेवन डेज। 7 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे अपना ये करवा के सिस्टम सारा तैयार, और फिर आपको करना है। अब बात है जी, ये तो था दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्टिंग। अब हमारे जो हरियाणा के हैं, दूसरे स्टेट वाले तो पंचकुला में रिपोर्टिंग करेंगे, हमारे हरियाणा वाले कहाँ करेंगे वो सुन लो। अब देखो ये रहा, इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ कंडीशनल मेंशन अबव, यानी कि ऊपर आप एक्सेप्ट करते हो तो यू शुड रिपोर्ट द रिस्पेक्टिव डिविजनल कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर रेजिडेंस एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ड्यूली इश्यू बाई द कंसर्न सिविल सर्जन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा गुड़गांव का रहने वाला, गुड़गांव का, तो वो पहले तो CMO ऑफिस में अपना मेडिकल करवाएगा गुड़गांव में। मेडिकल करवाने के बाद अपना मेडिकल और ये जो अभी जो देख रहे हो ये अलॉटमेंट लेटर, इसके साथ वो गुड़गांव DC को अप्रोच करेगा, DC गुड़गांव को अपनी यानी रिपोर्टिंग करेगा, ज्वाइनिंग देगा DC गुड़गांव को। समझ गए? 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। समझ गए? हरियाणा वालों को क्या करना है, अदर स्टेट वालों को क्या करना है। फिर कह रहा हूँ, हरियाणा वाले बंदे जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल करवाएंगे और उसी डिस्ट्रिक्ट के DC को रिपोर्टिंग देंगे मेडिकल करवाने के बाद। अदर स्टेट वाले जो बंदे हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तो मेडिकल करवाएंगे और रिपोर्टिंग करेंगे सीधे पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर को, और कहीं नहीं, पूरे हरियाणा में केवल पंचकुला डिप्टी कमिश्नर को, और जो पंचकुला के रहने वाले उनको भी पंचकुला में ही करनी है। ये इस अलॉटमेंट लेटर का निचोड़ है भाई। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से मैंने एक एक चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और ऐसे निकलेगा आपका, और जब लिंक एक्टिव हो जाएगा जैसे तो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जो भी डाउट आएगा मैं वहाँ पर बताता रहूँगा। थैंक यू, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।